टीवीएस कंपनी अपनी अपाचे सीरीज की सबसे स्मॉलेस्ट वन ट्वेंटी बाइक को बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करेगा पल्सर एंड अपाचे दोनों कंपनीज के बाइक सबसे ज्यादा पॉपुलर है जहां पल्सर में वन ट्वेंटी बाइक में आपको काफी सारी ऑप्शन मिलती है वहीं दूसरी साइड पे अपाचे बाइक में आपको वन सी बाइक की ऑप्शन नहीं मिलती आज की डेट में बायर की पहली चॉइस है वन सी बाइक जिसमें माइलेज ज्यादा मिलती है एंड इन बाइक का प्राइस भी कम रहता है एंड अब टीवीएस साइलेंटली वर्क कर रहे हैं न्यू अपाचे आर टी आर वन ट्वेंटी फाइव पर टीवीएस अपाचे वन ट्वेंटी फाइव को स्पोर्टी डिजाइन में लॉन्च करेगा एंड फीचर इस बाइक में आपको एडवांस देखने को मिलेंगे सो so अगर आपको सिर्फ पल्सर में वन ट्वेंटी फाइव सीसी बाइक की ऑप्शन मिलती है एंड आपको बहुत ही जल्द अपाचे वन ट्वेंटी फाइव में भी न्यू बाइक की ऑप्शन देखने को मिलेगी मतलब कि आप चूज कर सकेंगे इन दोनों कंपनीज में अपाचे वन ट्वेंटी फाइव एंड पल्सर वन ट्वेंटी फाइव में एंड डिसाइड कर सकेंगे कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट है वन सीसी सेगमेंट में ऑल न्यू टीवे आरटीआर वन ट्वेंटी का प्राइस कितना होगा एंड इस बाइक का लॉन्च आपको कब तक देखने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को एंड बात कर लेते हैं ऑल न्यू टीवे आर टी आर के लेटेस्ट लॉन्च अपडेट्स के बारे में डिजाइन अपाचे आरटीआर वन का बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी होगा अपाचे 125 को लॉन्च करने का मेन रीजन है 2023 में रेडर 125 ने बहुत ही अच्छी सेल जनरेट करी थी मगर अब इस बाइक की सेल काफी डाउन है एन इस 125 सीसी सेगमेंट में एक न्यू ऑप्शन को क्रिएट करने जा रहा है अपाचे 125 के लॉन्च से फ्रंट सेक्शन में आपको डिजाइन इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा अपाचे सीरीज का जिसमें फ्रंट में होगी एलईडी हेडलाइट मीटर कंसोल इसमें कलर डिस्प्ले में मिलेगा फ्यूल टैंक पर आपको अपाची के ग्राफिक देखने को मिलेंगे सीट स्प्लिट होगी एंडेयर स्पाइक में आपको न्यू कलर ऑप्शन देखने को मिलेगी जो कि काफी वाइब्रेंट होगी साइड एग्जॉस्ट सिंगल बैरल में मिलेगा जो कि काफी प्रीमियम होगा देखने में फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी एंड एंडेयर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी सिंगल चैनल एबीएस इसमें ऑप्शनल होगा टायर साइज नॉर्मल साइज में देखने को मिलेगा सस्पेंशन फ्रंट में होगा कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट सस्पेंशन एंड एंडेयर सस्पेंशन मिलेगा मोनोशॉक इंजन मिलेगा ऑल न्यू टीवी पावर जनरेट करेगा इलेवन पॉइंट पावर एंड इसमें आपको टॉक भी सेम देखने को मिलेगी नंबर ऑफ गेयर होंगे फाइव स्पीड ट्रांसमिशन के साथ एंड इसमें आपको सीट हाइट लो देखने को मिलेगी ओवरऑल माइलेज ये बाइक जनरेट करेगा अप्रोक्सिमेट सिक्सटी फाइव की एंड इसमें आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी दस लीटर की ये बाइक ओवरऑल टॉप स्पीड भी अच्छी खासी जनरेट करेगा इस सेगमेंट में सो क्या कुछ फीचर टीवे से इस बाइक में ऑफर करेगा इको एंड पावर मोड की ऑप्शन किक स्टार्ट एलईडी टेल लाइट एंड इसमें आपको स्पोक ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलेंगे सो फीचर इस बाइक में आपको एडवांस प्रीमियम देखने को मिलेंगे टीवी सपाचे वन टक्कर देगा बजाज पल्सर एनएस वन को टीवी अपाचे वन की अगर हम प्राइसिंग की बात करेंगे तो इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा नाइनटी जो कि पल्सर एनएस वन से काफी कम होगा अपाचे 125 का प्राइस एंड अगर हम लॉन्च की बात करेंगे तो न्यू को लॉन्च करेगा जनवरी तक अराउंड टू या थ्री बाइक को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में सो आप किसे प्रेफर करोगे बाय करना ऑल न्यू बजाज पल्सर एनएसन टी या फिर अपकमिंग टीवी अपाचे आर टी आर वन को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी इन दोनों में से होप so करता हूं आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में